नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज बात करेंगे मुन्ना बजरंगी की। आपको बताएंगे कि उसका बजरंगी नाम कैसे पड़ा। कहते हैं उसको छोटी उम्र में ही हथियार रखने का शौक था। मुन्ना का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरा दयाल गांव में हुआ था। मुन्ना का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था और उसके पिता का नाम पारसनाथ सिंह था। मुन्ना गरीब किसान फैमिली में पला बड़ा। मुन्ना के पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है मुन्ना का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था। वो मुश्किल से ही 5वीं कक्षा तक पढ़ा। उसने छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। वो बस में बतौर सफाई का काम करने लगा और अपने मालिक नरेंद्र सिंह का साथ दिया करता था। प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना का नाम बजरंगी इसलिए पड़ा, कहते हैं उसका शौक कुश्ती में था और वो अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहा करता था। इसके बाद से ही लोगों ने उसको मुन्ना बजरंगी कहना शुरू कर दिया। कुछ समय बस में काम करने के बाद उसने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद वो कालीन के बिजनेसमैन बुल्लन सिंह के यहाँ काम करने लगा। इससे मुन्ना के परिवार वाले काफ़ी खुश थे। जिसके बाद मुन्ना के सेटल होने पर परिवार वालों ने 14 साल की उम्र में उसकी शादी शकुंतला देवी नाम की लड़की से कर दी। दोनों की ही उम्र कम थी। जनवरी 1982 में मुन्ना का एक कालीन व्यापारी से पगार को लेकर झगड़ा हो जाता है। उस शख्स का नाम था कैलाश पांडे। मुन्ना ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसको बुरी तरह मारा, जिसमें कैलाश पांडे मरते मरते बचा था। ये वो समय था जब मुन्ना पर सुरेरी पुलिस थाने में पहला मामला दर्ज हुआ। 2 साल बीतने के बाद सन 1984 में इमलिया घाट के पास कालीन व्यापार के मालिक बुल्लन जायसवाल की हत्या को लेकर मुन्ना और उसके भाई ओम प्रकाश पर अटेम्प्ट टू मर्डर और चोरी के आरोप लगे। 18 साल की उम्र में मुन्ना पर हत्या और चोरी के मामले दर्ज होने शुरू हो गए। गोपालपुर मार्केट में चोरी और लूट में भी मुन्ना का नाम निकलकर सामने आया। मुन्ना कुछ महीनों के लिए पूर्वांचल से दूर फैजाबाद में रहने लगा था। वो यहाँ भी अपना पैर जमाना चाहता था, जिसके बाद उसने फैजाबाद में अच्छी जान पहचान बना ली। बाहुबली लोगों के साथ उसका उठना बैठना लगा रहता था। मुन्ना कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने जौनपुर के दबंग माफिया गजराज सिंह की शरण ली और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसको एक से बढ़कर एक हथियार मिले। गजराज सिंह जौनपुर का रहने वाला था। इस व्यक्ति का लोगों में बहुत दबदबा हुआ करता था। वो लोगों को डरा धमकाकर गुंडा टैक्स लिया करता था। वहीं मुन्ना को गजराज सिंह और उसके बेटे आलम सिंह की सपोर्ट मिल रखी थी। सन 1993 में मुन्ना ने बीजेपी के नेता रामचंद्र सिंह को कचहरी रोड पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार डाला। इस वारदात में एक गन्नर भी मारा गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद मुन्ना उस गन्नर की कार्बाइन राइफल लेकर वहां से फरार हो गया। वो कहते हैं ना, जब तक सर पर किसी बड़े आदमी का हाथ ना हो तो ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही कुछ मुन्ना के साथ था। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना को अनिल सिंह की सपोर्ट भी मिल रखी थी। जी हाँ, वही अनिल सिंह जो एक समय कांग्रेस का लीडर होने के साथ साथ आगे चलकर वाराणसी के मेयर रहे। कहते हैं पुलिस से बचने के लिए मुन्ना अनिल सिंह का ड्राइवर बनकर छिपा रहा। वो अनिल सिंह के साथ 5 साल रहा। उसने अनिल सिंह के लिए भी कई काम किए। ये वो समय था जब मुन्ना को बड़े शार्प शूटर्स में गिने जाने लगा था। बताया जाता है कि अनिल सिंह और अवधेश राय में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। सीताराम चौरसिया नाम के व्यक्ति पर अवधेश राय की हत्या का आरोप था, जिसके बाद मुन्ना ने सीताराम चौरसिया को रास्ते से हटा दिया। अवधेश राय के छोटे भाई अजय राय, जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, वो मुन्ना की वफादारी से काफ़ी खुश हुए। अब मुन्ना अजय राय के जरिए उस व्यक्ति से मिलने वाला था जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर मिला करते थे, और वो नाम था 5 बार MLA रह चुके माफिया मुख्तार अंसारी। मुन्ना को हर वो चीज़ मिल रही थी जो उसको चाहिए थी। मुन्ना के पहले कामों के चर्चे सुनकर मुख्तार अंसारी ने उसको प्रोटेक्शन मनी कलेक्शन के कारोबार को देखने का काम दिया। यहाँ उसने बहुत कुछ सीखा। पहले से ही मुन्ना वसूली के कामों में माहिर था। इस काम ने मुन्ना के वसूली के काम पर पॉलिशिंग का काम किया। 24 जनवरी 1996 की शाम को जमालपुर मार्केट में सफ़ेद मारुति में आए लोगों ने कैलाश दुबे, जो के
जौनपुर डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको AK-47 से फायरिंग कर मार डाला। इस वारदात में कैलाश दुबे के साथ साथ राजकुमार सिंह, बाके लाल तिवारी और बदकिस्मती से एक छोटी बच्ची मारी गई। ये काफ़ी निंदनीय घटना थी। आपको बता दें, इस घटना में मुन्ना बजरंगी गजराज सिंह और उसके बेटे आलम सिंह का नाम निकलकर सामने आया था। वजह थी गजराज सिंह का कैलाश दुबे से इलेक्शन में हारना। 6 अप्रैल 1997 में मुन्ना ने एक और घटना को अंजाम दिया। कहते हैं ओर्थ सेरेमनी के दौरान उसने भीड़ में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूनियन लीडर प्रेसिडेंट राम प्रकाश पांडे को गोलियों से छलनी कर डाला। कहा जाता है कि तब से पूर्वांचल में ओर्थ सेरेमनी का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया। 11 सितंबर 1998 को जब UPSTF और दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम सेल को मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजबीर सिंह लीड कर रहे थे, तो उन्होंने मुन्ना को पकड़ने के लिए कई इलाकों में खबरियों को लगा रखा था। तभी एक खबरी से खबर मिली के मुन्ना को पानीपत के पास एक काली गाड़ी में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। दिल्ली की आजाद मंडी आते आते पुलिस द्वारा करीबन 25 राउंड गोलियां चलाई गई। इसमें यतेंद्र कुमार और मुन्ना को गोलियां लगी, जिसमें दोनों मारे गए। इसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में भेज दिया। कहते हैं 9 गोलियां लगने के बाद भी मुन्ना की बॉडी वहां अचानक से हिलने लगी, जिसके बाद मुन्ना को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसकी सर्जरी हुई। करीबन 2 महीने वो वहां रहा। कहते हैं परिवार वाले मुन्ना का इंतजार करते थे और ऐसा कभी मौका नहीं मिल पाया कि मुन्ना और उसकी पत्नी एक साथ समय बिता सकें, और परिवार वालों को लगा कि मुन्ना मर चुका है। जिसके बाद मुन्ना की पत्नी शकुंतला देवी की शादी मुन्ना के छोटे भाई राजेश से कर दी गई। 1997 में मुन्ना को सीमा सिंह नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब मुन्ना का एनकाउंटर हुआ था तो सीमा के पेट में मुन्ना का 7 महीने का बच्चा था और सीमा सिंह ने अपनी बेटी को उसी दौरान वहीं उसी हॉस्पिटल में जन्म दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुन्ना को दिल्ली तिहाड़ जेल भेजा गया। 2002 में कोर्ट में पेशी के दौरान मुन्ना फरार हो गया। वो 6 साल तक पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस ने बताया था कि मुन्ना शराब और लड़कीबाजी से दूर रहता था, यहाँ तक कि वो फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करता था, और यही कारण था कि वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। 2005 में उसने पूरी यूपी को दहला दिया जब उसने BJP के नेता कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी और इसकी गूंज संसद तक पहुंची थी। मुन्ना छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार और नेपाल में पुलिस से छिपता रहा। साल 2009 में पुलिस को मुन्ना की मुंबई में छिपे होने की खबर मिली। पुलिस ने मुन्ना को मलाड़ से एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से गिरफ्तार किया। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो 19 से 20 सालों में लगभग 55 हत्याएं कर चुका है। उसने ये भी बताया कि उसके सर पर मुख्तार अंसारी का हमेशा से हाथ रहा। इसके बाद दोनों पर मकोका लगाया गया। 2012 में मुन्ना ने मरियाहू विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन उसको जीत नहीं मिल पाई। फिर 2017 में मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसको भी जीत नहीं मिली। शायद राजनीति मुन्ना के लिए थी ही नहीं, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर के नाम से जाना जाता था। यही वजह थी कि लोग नहीं चाहते थे कि वो जनता का नेता बने। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने मुन्ना की हत्या को लेकर कई बाहुबलियों पर आरोप लगाए। उसकी पत्नी का कहना था कि मुन्ना की हत्या MLA धनंजय सिंह, प्रदीप सिंह, ब्रिजेश सिंह और हत्या के शिकार हुए कृष्णानंद राय की पत्नी MLA अलका राय ने करवाई है। मुन्ना कई लोगों की सपोर्ट में आकर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देता गया, जिसमें उसने कई दुश्मन बनाए। 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में उसके सर में 10 गोलियां दाग दी गई। इसमें नुकसान हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवार का। इस वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि मेहनत से पाई गई सफलता हमेशा सुकून भरी होती है। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।